हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनादर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन हमें दिए गए ए वेलवेट, बी वैक्सिलरी, सी इंट्रीगेट और डी ट्विस्टेड। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे बात करते हैं देन वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। सो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि एस्टिवेशन क्या है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे एस्टिवेशन को बोल सकते हैं इट इज बेसिकली अ मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल बर्ड में सेपल्स और पेटल्स कैसे अरेंज रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। नाउ एस्टिवेशन के टाइप्स की हम लोग बात करें तो टोटल चार टाइप्स है एस्टिवेशन के, जिसमें अगर हम सबसे पहला बात करें तो दैट इज वेलवेट एस्टिवेशन। सो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स दे टच ईच अदर, बस सिर्फ टच करके ही पूरा फ्लोरल बर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वेर एज सेकेंड जो हमारा ट्विस्टेड है, अगर हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप करता है नेक्स्ट वन से। मतलब इनके जो पेटल्स रहते हैं या सेपल्स की बात करें तो वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, कोई एक इनका पैटर्न रहता है। जबकि अगर हम इंडिकेट की बात करें सो इंडिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है जो हमारा तीसरा टाइप है, इन दिस केस हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें भी ओवरलैपिंग होता है। सो यह वी कैन राइट इंडिकेट एस्टिवेशन में सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या रहता है कि उनका कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, नो डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग। वो किसी भी डायरेक्शन में एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर पैटर्न। जिसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स हमारे यहाँ पे हो जाएंगे कैसिया या फिर गुलमोहर। एंड लास्ट जो हमारा टाइप है वो है वैक्सिलरी। सो वैक्सिलरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड पैटर्न मिलता है जो सबसे लार्जेस्ट रहता है, एंड देन फिर हमें क्या मिलता है इसमें दो लैटरल पेटल्स मिलते हैं जिनको हम लोग विंग्स बोलते हैं, एंड देन फिर दो छोटे स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स मिलते हैं जिनको कील बोलते हैं। ये बेसिकली हम लोग को पैपिलिनेशियस फैमिली में देखने को मिलता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिसमें हम लोग को बोला है कि मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप करते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो कौन सा होगा इंट्रीगेट। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।